प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और राजनेता जयाप्रदा द्वारा बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने यह कहा है कि अमर सिंह को अगर वह राखी भी बांध दे तब भी लोग उनके बारे में और अमर सिंह के बारे में बातें बनाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक आजम खान पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि वे उन पर एसिड हमले कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमर सिंह के साथ अपने संबंधों को लेकर कई नकारात्मक बातें की जा रही है, लेकिन वे मेरे गॉडफादर हैं और अमर सिंह जी द्वारा कई बार उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे मदद ली है। उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में मैं एक महिला के तौर पर आजम खान के साथ चुनाव लड़ रही थी, उस समय मुझ पर तेजाब हमला कराया और मुझे जान का खतरा था। जब कभी मैं घर के बाहर जाती तो मैं अपनी माँ को भी यह नहीं बता सकती थी कि मैं जिंदा लौटूंगी या नहीं। उन्होंने कहा कि उनका समर्थन करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया, यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी ने भी उन्हें एक भी बार फ़ोन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उनकी तस्वीरों में बुरी भावना के साथ बदलाव कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तब उन्होंने आत्महत्या करने तक की सोची थी। उन्होंने कहा अमर सिंह डायलिसिस पर थे और मेरी तस्वीरों में नकारात्मक बदलाव कर उसे फैलाया जा रहा था। मैं रो रही थी और कह रही थी अब मुझे और नहीं जीना, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मैं सदमे में थी और किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेकिन डायलिसिस से आने पर सिर्फ अमर सिंह मेरे साथ खड़े थे, मेरा समर्थन किया। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, गॉडफादर या कोई और? यदि मैं उन्हें राखी बांध दूँ तब भी क्या लोग बातें करना बंद कर देंगे? लोग मुझे क्या कहते हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पुरुष प्रधान इस व्यवस्था में किसी महिला के लिए नेता बनना असली चुनौती है। जयाप्रदा ने कहा कि यहाँ तक कि पार्टी में सांसद रहने के दौरान भी मुझे नहीं बख्शा गया। आजम खान ने मुझे प्रताड़ित किया, उन्होंने मुझ पर तेजाब से हमला करने की कोशिश की, मुझे यह नहीं पता था कि मैं अगले दिन जिंदा रहूँगी या नहीं। उन्होंने कहा मणिकर्णिका फिल्म में जो कुछ दिखा रहे हैं मैं वैसा महसूस कर रही हूँ और एक महिला दुर्गा का अवतार भी ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।